एक तोता जो बहुत ही प्यासा होता है और उड़ते उड़ते नदी के किनारे पहुंचता है और वह देखता है कि कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे होते हैं और वह उनके पास जाकर कहता है, बहुत प्यास लगी है, चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अरे यहाँ पे तो लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं। अरे भाई तुम नदी में कपड़े क्यों धो रहे हो? इससे पानी गंदा हो जाएगा, क्या तुम्हें पता नहीं है? चल जाए यहाँ से, बड़ा आया ज्ञान बांटने वाला। अरे अरे ये तो भड़क गया भाई, कोई नहीं। जब उसको वहाँ से भगा दिया जाता है तो प्यास से व्याकुल होकर पास में स्थित एक तालाब के पास जाता है। अरे ये लो भाई, यहाँ पे भी तो पानी में फेंस मार रही है। अरे भैया क्या बात है, आप पानी में जानवरों को क्यों नहला रहे? आपको तो पता है ना कि इससे पानी दूषित हो रहा है, और अगर आप इसी तरह से पानी को दूषित करते रहेंगे तो हम सभी को पीने योग्य स्वच्छ जल कैसे मिलेगा? चल भाग जाए यहाँ से, नेता है क्या? अरे हाँ, यहाँ लगता है मुझको पीने योग्य स्वच्छ जल मिल सकता है। अरे आप अपने बच्चे को ये दूषित जल क्यों पिला रहे हैं? लगता है आपको पता नहीं, ये दूषित जल आपको तथा आपके बच्चे को बीमार कर सकता है। तुम फिर आ गए यहाँ पे ज्ञान बांटने के लिए। कुछ समय बाद तोता गांव में फिर वापस आता है और वह देखता है कि दूषित जल के इस्तेमाल से कई प्रकार के रोग गांव वालों में फैलने लगे हैं। अरे यह क्या हो रहा है? अरे मेरे बच्चे के शरीर में ये क्या हो रहा है? देखा, ये तो होना ही था। जब मैंने आप लोगों से बोला था कि जल को दूषित मत करें, पर आप लोग नहीं माने, और अब परिणाम आपके सामने है।